मेरा समाचार में मैं हूं पल्लवी। कोटद्वार में कणव आश्रम स्थित वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय में विश्व का प्रथम मुस्लिम योग साधना शिविर चल रहा है। इस 5 दिवसीय योग शिविर में विभिन्न देशों से आए मुस्लिम पुरुष व महिलाएं भाग ले रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी ने अपने संबोधन में योग शिविर को नए भारत का उदय बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि योग के माध्यम से जाति और धर्म के भेदभाव को भूलकर निरोग समाज के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने सभी धर्म के लोगों से निरोग रहने के लिए योग को अपनाने की अपील की। आज यहाँ पर पहला मुस्लिम योग शिविर लगा, बहुत अच्छी शुरुआत है। आप सब 3-4 दिन इस योग शिविर में रहकर योग करेंगे, आप दिल दिमाग से शरीर से मजबूत होंगे और इसलिए ये योग शिविर एक नए हिंदुस्तान की शुरुआत करने में बड़ी मजबूती से रोल प्ले करेगा। कणव आश्रम जब कभी जाना गया था तो भरत से, महर्षि कणव से, दुष्यंत शकुंतला से और ऐसी अनेक चीजों से पहचाना गया। अब नए भारत के अंदर कणव आश्रम एक नई चीज के लिए भी पहचाना जाएगा कि करोड़ों करोड़ मुसलमानों को योग के माध्यम से निरोग करना और योग के माध्यम से एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने की शुरुआत करना। योग साधना शिविर में विभिन्न समुदाय के साधकों ने योग का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षण के उपरांत वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ हुआ और फिर पर्यावरण के महत्व पर चर्चा का दौर चला और पर्यावरण जागरूकता के लिए रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग धर्म और पूजा पद्धति से हटकर है और यह सबको निरोग करने तथा सबको जोड़ने का माध्यम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी NRC को पूरे देश में लागू करने का स्वागत किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत सरकार द्वारा पूरे देश में NRC लागू करने के कदम का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। असम में NRC की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन में त्रुटियां हुई थी, इसलिए विद्यार्थी परिषद यह मांग कर रही थी कि हाल ही में प्रकाशित NRC को अस्वीकृत किया जाए। विद्यार्थी परिषद सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करती है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण निर्णय का समर्थन करें। साथ ही देश में सक्रिय सामाजिक धार्मिक संगठन व छात्र समुदायों से आह्वान करती है कि पूरे भारत में NRC के मुद्दे पर व्यापक समाज जागरण करते हुए राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं। आइए अब जानते हैं 23 नवंबर का इतिहास। सखाराम गणेश देओस्कर भारतीय जनजागरण के ऐसे विचारक थे जिनके चिंतन और लेखन में स्थानीयता और भारतीयता का अद्भुत संगम था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पक्के अनुयायी और बंगाल में जनजागृति लाने के कारण बंगाल के तिलक कहलाए जाने वाले सखाराम गणेश देओस्कर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के समीप करौ नामक एक गांव में हुआ था। सखाराम जी हिंदी के प्रचार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। वे महाराष्ट्र और बंगाल के नवजागरण के बीच सेतु के समान थे। उन्होंने कलकत्ता जाकर सार्वजनिक सेवा की और शिवाजी महोत्सव आरंभ करके युवकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी। सखाराम जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में बुद्धिवर्धिनी सभा का गठन हुआ। उनका घर अरविंद घोष और बारिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारियों के मिलने का स्थान था। अरविंद घोष ने लिखा है कि स्वराज्य शब्द के पहले प्रयोग का श्रेय देओस्कर को ही जाता है। हिंदुस्तान के उद्योगों की बर्बादी का चित्रण करती उनकी कृति दशहरे कथा ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ी और शोषण के तले जीती मरती भारतीय जनता के रुदन का दस्तावेज है। क्रांतिकारी सखाराम गणेश देओस्कर स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। वे श्री अरविंद घोष तथा भगिनी निवेदिता के साथ बंगाल के गांवों का भ्रमण कर विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देने के अभियान में सक्रिय रहे।
23 नवंबर 1912 को सखाराम गणेश देवस्कर जी का निधन हुआ। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।